नमस्कार, आप देख रहे हैं जीसीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। सिविल सर्जन निर्मला कुमारी ने कोविड घर घर दस्तक अभियान के तहत चलाए जा रहे वैक्सीनेशन कार्य की समीक्षा के लिए गोविंदपुर प्रखंड का भ्रमण किया। पूछे जाने पर सिविल सर्जन निर्मला कुमारी ने बताया कि घर घर दस्तक अभियान के तहत चलाए जा रहे वैक्सीनेशन कार्यों की समीक्षा प्रखंड क्षेत्र के ग्राम बिनोवा नगर में की, जहां मेडिकल टीम के द्वारा अच्छे ढंग से कार्य किया जा रहा है। वह पूछे जाने पर लोगों के जो कंफ्यूजन थे उसे दूर किया एवं मोटिवेट कर छूटे हुए लोगों को वैक्सीनेशन करवाया गया। लोग इतना जागरूक हो चुके हैं कि फर्स्ट डोज का सर्टिफिकेट सुरक्षा के दृष्टिकोण से लेमिनेट करवा चुके हैं। मौके पर मौजूद प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी धनंजय कुमार डॉक्टर रविंद्र विश्वकर्मा के द्वारा बताया गया कि डोर टू डोर भ्रमण कर वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नोडल पदाधिकारी डॉक्टर जफर इमाम ने बताया कि लगभग पूरे प्रखंड क्षेत्र में 2900 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। घर घर दस्तक अभियान कार्यक्रम के तहत पूरे क्षेत्र में 17 मेडिकल की टीम लगाई गई है। जो टीम वर्क है अच्छे अच्छा से काम कर रही है। अभी हम लोग 2-3 क्षेत्र में घूम के आए हैं, अच्छे से वैक्सीनेशन हो रहा है। कुछ हम लोग भी मोटिवेट करके वैक्सीनेशन करवाए, कुछ रिफ्यूजर था उसको भी हम लोग ठीक किए। गाँव का नाम विनोबा नगर, विनोबा नगर में लोग कितना जागरूक है मैम? पब्लिक जागरूक है क्योंकि हम देखे लोग फर्स्ट डोज का सब सर्टिफिकेट लेमिनेट करके रखे हुए, जागरूक है तभी ना। सर अपने नाम क्या नाम क्या भाई, तुम लोग सीएस का नाम नहीं जानते हो? डॉक्टर निर्मला कुमारी। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए जीसीपी न्यूज के साथ। नमस्कार। ग्रामीण एवं देश विदेश की अनोखी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।